नमस्कार माई सेल्फ सौरभ श्रीवास्तव असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज वाराणसी वेलकम यू टू माय चैनल अनुसंधान इट इज माय न्यू प्लेलिस्ट रिलेटेड टू मार्केटिंग मैनेजमेंट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेल्स प्रमोशन सेल्स प्रमोशन इज वन ऑफ द पावरफुल टूल ऑफ प्रमोशन मिक्स because this is the only tools which creates immediate sale this is only tool which creates immediate sale actually sales promotion includes several communication activities sales promotion sales promotion includes several, communica uh, several communication activities that attempt to provide added value

एक पूरे चैनल में ये सेल्स प्रमोशन होते हुए आ रहा है फॉर वॉट टू स्टूमुलेट इमीडिएट सेल टू स्टूम इमीडिएट सेल मैंने बताया सेल्स प्रमोशन इंक्लूड्स डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज दैट अटेम दैट अटेम्प प्रोवाइडेड एडिशनल वैल्यू वैल्यू एडिशन दैट वैल्यू एडिशन आर इंसेंटिव किसको मिलता है फ्रॉम इंटरमीडियरी like कस्टमर ये सबको प्रोवाइड होता हैटीजमेंट क्या करता है एडवर्टीजमेंट आपको दुकान तक बुलाता है दुकान में जाने के बाद आप खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे और कोई प्रोडक्ट लेंगे ये डिपेंड करता है सेल्स प्रमोशन पे कभी कधार मन बना के कुछ और जाते हैं खरीदने का खरीद के कुछ और चले आते हैं होता क्या है हम हमने एडवर्टीजमेंट हमको उस दुकान पे ले जाता है और सेल्स प्रमोशन हमको कभी कदर इतना होता है कि एडवर्टीजमेंट जो हमारे दिमाग में जगह बनाई है कि नहीं है, ये प्रोडक्ट लेना है उसको ब्रेक करके हम दूसरा प्रोडक्ट खरीद के चले आते हैं ये है सेल्स प्रमोशन क्या क्या होता है सेल्स प्रमोशन में भाई देखिए भाई ये करता क्या है सेल स्टमुलेशन सेल स्टमलेन इसका काम है सेल्स प्रमोशन ऑब्जेक्टिव इज सेल हाउ? द सेल सेल्फ स्टमुलेशन अचीव थ्रू कॉन्टेस्ट कॉन्टेस्ट होता है डेमोस्ट्रेशन डिस्काउंट एग्जीबिशन ट्रेड शो गेम्स पॉइंट ऑफ सेल्स डिस्प्ले एंड मर्केंटाइजिंग सेल्स ऑफर लाइक बहुत सारे जितने भी ऑफर आप जस्ट आई लाइक टू गिव द एग्जांपल ऑफ बिग बाजार

भाई या तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर होलसेलर से रिटेलर या कस्टमर डायरेक्ट कस्टमर को मतलब प्रमोशन सब जगह है डायरेक्ट भी हो सकता है पुल और पुश दोनों स्ट्रेटजी होती है आई विल टेल यू इट इज एन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन विच कॉन्स्टिट्यूट ऑफ कलेक्शन ऑफ इंसेंटिव टूल्स यूज बाई द फॉर्म फॉर जनरेटिंग क्विकर सेल्स मैंने बोला था भाई इमीडिएट सेल्स के लिए लिखा है कॉन्स्टिट्यूट ऑफ कलेक्शन ऑफ इंसेंटिव टूल्स टूल्स मैंने बताया बहुत सारा आपको अभी टूल्स यूज बाई एज अ वराइटी ऑफ शॉर्ट टर्म इंसेंटिव टू इनकरेज ट्रायल आर परचेज ऑफ प्रोडक्ट आर सर्विस देखिए जो बात मैंने कही थी इफ एडवर्टाइजिंग एम्स टू प्रोवाइड रीजन टू बाई बाई फॉर कस्टमर्स ये एक रीजन क्रिएट कर सकता है एडवर्टीजमेंट की खरीदना है खरीदने का कारण जनरेट कर सकता है इमिडिएट आपको प्रमोशन के थ्रू ये मिल रहा है तो दिस इज वॉट इमिडिएट जो इंसेंटिव मिलता है वो आपको तुरंत स्टिमुलेट करता है कि भाई हम कोई चीज खरीद ले परचेजिंग के लिए तो दिस इज दिस इज ऑल्सो सो पावरफुल देखिए सारे प्रमोशनल टूल

these are some sales promotion technique uh, there are two things the consumer oriented consumer oriented and trade oriented if i'm talking about the consumer means for end user events loyalty programs bonus packs refund rebates contest premium samples coupons in same way trade oriented trade oriented means what for the manufacturer for the wholesaler sorry for the distributor for the wholesaler for the retailer इजिंग ट्रेड शोज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पीओपी डिस्प्लेस ट्रेड अलाउंस अलाउंसेस दीज आर टूल फॉर द ट्रेड ओरियंटेड ओके नाउ नाउस ऑफ सेल्स प्रमोशन इव एम टॉकिंग अबाउटेक्टिव प्रमोशन ये जैसे बताने की बहुत जरूरत नहीं है ये अपने से भी आप कर सकते हो सोल्स प्रमोशन समझ में आ गया ये तो मैंने बस कुछ ऐसे ही लिख दिया है ये बाकी जगह बुक्स में बाकी मटेरियल ऑनलाइन मटेरियल में चेंज हो सकते हैं टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट सेल्स प्रमोशन इज हम हैं तो रिटेल स्टोर में जाते हैं तो न्यू न्यू अराइवल अराइवल का एक अलग सेक्शन है तो वहां न्यू अराइवल का प्रमोशन अलग तरीके से होता है और जो स्टॉक क्लोज होने वाला है उसकी सेल्स लगी हुई है उसका भी प्रमोशन है तो सेल्स प्रमोशन दोनों जगह काम करता है और क्या करता है टू अट्रैक्ट द कस्टमर कस्टमर को अट्रैक्ट करता है डिस्काउंट देके बोनस देके गेम से कॉन्टेक्स्ट से ये सब आपको लॉयल्टी प्रोग्राम देके लॉयल्टी कार्ड देके तो ये क्या है आपको अट्रैक्ट करता है एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन आल्सो ऑल्सो आपको प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन भी टाइम टाइम पे अनाउंसमेंट होते रहते हैं इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहती है ये यूटिलिटी इतने में ये ये काम करेगा ये आपको बेनिफिट मिल रहा है केवल इतने में मतलब बेनिफिट्स के बारे में भी बताया जा रहा है इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है इसी जब इतना कुछ होगा तो इट इस इज ऑटोमेटिकली स्टिम्युलेटिंग द डिमांड डिमांड बढ़ेगा स्टिमुलेशन टू परचेज बढ़ेगा और इवन ऑफ सीजन में भी सेल इंक्रीज कर सकता है सेल्स प्रमोशन लोग बोलते हैं कि भाई बृहस्पतिवार को बुधवार को या महीने के अंत में लोग कम परचेजिंग करते हैं आप देखिए सबसे ज्यादा ऑफर या सेल्स प्रमोशन उसी समय चलते हैं और सेल जनरेट होती है बिग बाजार हो स्पेंसर हो विशाल मेगा मार्ट हो या कोई भी रिटेल स्टोर हो तो दिस इज व्हाट दिस इज पावर ऑफ सेल्स प्रमोशन नेक्स्ट थिंग वी नीड टू डिस्कस इज सेल्स प्रमोशन स्ट्रेटजीज देयर आर एक्चुअली टू स्ट्रेटजीज एंड थर्ड वन इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू पुश स्ट्रेटजी एंड पुल स्ट्रेटजी सेल्स प्रमोशन ये डिपेंड करता है कि हम डायरेक्ट कस्टमर को करना चाहते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर uh, से होलसेलर होलसेलर से रिटेलर फिर कस्टमर तक आना चाहते हैं ट्रेड ओरिएंटेड आपकी सेल्स प्रमोशन है या एंड यूजर कस्टमर ओरिएंटेड आपका uh, आपका सेल्स प्रमोशन है वो डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेटजी पुश है या पुल है और मैक्सिमम टाइम में इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू ये दोनों को कंबाइन करके लोग सेल्स प्रमोशन करते हैं सेल्स अच्छा सेल्स जनरेट करने के लिए सी पुल एंड पुष्ट प्रमोशनल स्ट्रेटीज पुष स्ट्रेटीज प्रोड्यूसर से चलता है प्रोमोशनल एक्टिविटीज इंटरमीडिएट के पास डिमांड बढ़ती है फिर इंड यूजर के पास और दूसरे में देखिए प्रोड्यूसर से सीधे इंड यूजर तक और यहाँ डिमांड जनरेट हो रही है तो दिस इज वॉट अब इंड यूजर जाता है इनके पास ये इनके पास जाते हैं तो यहाँ डिमांड जनरेट होती है, है कि नहीं तो दिस इज वॉट पुल एंड पुष स्ट्रेटी वैसे मैंने बताया ही इंटीग्रेटेड अप्रोच इज बेटर कॉम्बिनेशन ऑफ टू यही लोग यही मार्केट में चल भी रहा है मार्केटर्स यही यूज़ करते हैं ऑफ़ ऑफ़ सेल्स प्रमोशन इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट गेटिंग रिटेल इन्वेंट्रीज टाई इन एडवर्टाइजिंग पर्सनल सेलिंग इनहेंस पर्सनल सेलिंग एंड कॉम्बोट कॉम्पिटिशन तो ये है यूज दीज आर सम यूजेज ऑफ सेल्स प्रमोशन आई होप सेल्स प्रमोशन के बारे में आपको सारी बातें लगभग समझ में आई होंगी फ्रॉम द बिगनिंग सारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई ये क्या है इट इस प्रकार का वैल्यू एडिशन है एक प्रकार का वैल्यू एडिशन है जो ये वैल्यू एडिशन एक प्रकार वैल्यू एडिशन कहिए या इंसेंटिव है जो इमीडिएट सेल जनरेट करता है कैसे सेवरल काइंड ऑफ एक्टिविटीज हैं डिस्काउंट दे के प्रीमियम दे के बोनस दे के सैंपल दे के गेम्स से कॉन्टेस्ट से आपका इमिडिएट सेल जनरेट करता ये है सेल्स प्रमोशन आई होप आपको बात समझ में आई होगी धन्यवाद थैंक थैंक यू सो मच